हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल ज्ञान गंगा। स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल ज्ञान गंगा पर। ये क्लास 8 का साइंस का ये नेक्स्ट लेक्चर हम यहाँ पे शुरू करने जा रहे हैं। तो हम जानने जा रहे हैं फ्लोरा एंड फोना के बारे में। तो फ्लोरा एंड फोना में यहाँ पे क्या समझाया गया है कि भाई जैसे आप चारों तरफ देखेंगे तो बहुत सारे पेड़ पौधे जीव जंतु सब कुछ जो है दिखाई देते हैं, ठीक है। तो आप ये देख लीजिए कि यहाँ पर क्या है, मतलब बहुत सारे वहाँ पे पेड़ पौधे सब दिखते हैं। तो सही सडनली मतलब पहली क्या पूछे यहाँ पे कि भाई जैसे एक रैबिट देखती है तो उसको पकड़ना चाहती है, तो उसके पीछे भागती है, तो प्रोफेसर अहमद उसको रोकते हैं। तो एक्सप्लेन करते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं वो कंफर्टेबल होते हैं और हैप्पी होते हैं कहाँ पर, अपने खुद के घर में, यानी कि वो जंगल में जहाँ भी पेड़ पौधों में जहाँ भी रह रहे हैं एनिमल्स या जो भी होते हैं वो सब वहाँ पर उतने खुश रहते हैं, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि वो सब वहाँ ही खुश रहते हैं, अपने नेचुरल हैबिटेट में ही वो खुश रहते हैं और हमें उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तो वहाँ पे माधव जी एक्सप्लेन कर रहे हैं कुछ एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में जो पर्टिकुलर एरिया में ही पाए जाते हैं। तो जो प्लांट्स और एनिमल्स जैसे हैं जो कोई पर्टिकुलर एरिया में पाए जा रहे हैं, तो हम बोलते हैं कि वो वहाँ का फ्लोरा एंड फोना है। फ्लोरा मतलब प्लांट, फोना मतलब एनिमल, यानी कि द प्लांट्स एंड एनिमल। देखिए यहाँ पे टर्म समझाया हुआ है, द प्लांट्स एंड एनिमल्स फाउंड इन अ पर्टिकुलर एरिया, जो एक किसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, आर टर्म्ड एज फ्लोरा एंड फोना ऑफ दैट एरिया। उनको हम फ्लोरा और फोना बोलते हैं किसी भी उस पर्टिकुलर एरिया का, ठीक है। तो आपको यही याद रखना है कि जो भी प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं वो वहाँ के फ्लोरा और फोना होते हैं, ठीक है। अब देखिए जैसे यहाँ पे क्या दिखा रहा है बॉक्स में, साल, टीक, मैंगो, जामुन है ना, सिल्वर फर्न्स, अर्जुन, ये सब क्या है, ये फ्लोरा है। ये मतलब एक तरह से पेड़ है, फ्लोरा मतलब पेड़ है, ठीक है। एंड चिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लेपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ एटसेट्रा, ये सब क्या हो गए, फौना। फौना मतलब आप बोल दो जानवर और फ्लोरा मतलब बोल दो पेड़ पौधे। तो फ्लोरा और फौना किसी पर्टिकुलर जगह पर ही पाए जाते हैं। तो यहाँ पे पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के ये फ्लोरा और फौना हैं। तो आपको याद रखना है पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व के अगर फ्लोरा फौना का एग्जाम्पल्स पूछ लिया जाए तो कौन कौन सा, ये कई बार एग्जाम्स में पूछता है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कि भाई पंचमढ़ी जो बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें कौन कौन से पाए जाते हैं, तो यही आपको याद रखना है। तो जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व है इसमें पाए जाते हैं कौन कौन से, साल, टीक, मैंगो, जामुन, सिल्वर फर्न, ये सब पेड़ हैं। यहाँ पे ये फ्लोरा है यहाँ के, यानी कि ये, तो ये सारे फ्लोरा यानी कि ये पेड़ यहाँ पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, ठीक है। और जैसे सिंकारा, ब्लू बुल, बार्किंग डियर, चीतल, लैपर्ड, वाइल्ड डॉग, वोल्फ, ये सब यहाँ के जानवर हैं, यानी कि ये फौना हो गए, ये सब फौना यहाँ पे पाए जाते हैं। कहाँ पे, पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में, ठीक है। तो ये याद रखिएगा आप। इसके बाद देखिए ये हमारा है, यहाँ देखिए दिखाया हुआ कुछ पिक्चर्स में दिखाया गया। देखिए क्या दिखाया गया यहाँ पर, दिखाया गया कि वाइल्ड डॉग क्या होता है, चीतल क्या होता है, वुल्फ क्या होता है, लैपर्ड क्या होता है, फर्न और जामुन, ये सारा दिखाया गया। देखिए ये वाइल्ड डॉग है ये, ठीक है। फिर देखिए ये चीतल है, फिर ये वुल्फ है, और ये फिर लैपर्ड है, फिर ये फर्न है, और फिर ये एफ वाला जामुन है। तो ये सारे पर्टिकुलर पेड़ हैं, पर्टिकुलर मतलब जानवर हैं जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, यानी कि ये सारे आपको दिखा दिए पंचमढ़ी वाले। तो ये पंचमढ़ी वाला आपको सारा पहचान, ये सब पंचमढ़ी में पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इस तरह से आपको ये चीज़ें याद रखनी है कि कौन से पेड़ पौधे यानी कि फ्लोरा एंड फौना जो भी है, मतलब जानवर, पेड़ पौधे और जानवर, यानी कि जो भी जानवर हैं या जो भी पेड़ पौधे हों किस एरिया में पर्टिकुलर पाए जाते हैं, तो वो वहाँ के पर्टिकुलर फ्लोरा एंड फौना कहलाते हैं, ठीक है। तो ये सारा आपको ये पूरा याद रखना है, इसमें कोई भी डाउट हो तो इसमें पूछिएगा। इसके बाद नेक्स्ट आ रहा है भाई कि नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है कि एंडेमिक स्पीसीज़ क्या होती हैं। अब देखिए यहाँ पे आ रहा है कि भाई अब एक डीप फॉरेस्ट में वो ग्रुप था वो चला गया, अब वहाँ पे वो देख रहे हैं कि बहुत ही बड़ी मतलब एक स्क्वायरल दिख रही है उनको वहाँ पे, बहुत ही बड़ी स्क्वायरल मतलब गिलहरी, तो बहुत ही बड़ी वहाँ गिलहरी दिख रही है। दिस स्क्वायरल हैज़ अ लॉन्ग फल्फी टेल, उसकी एक लॉन्ग फल्फी टेल, उसकी लॉन्ग फल्फी टेल है, और वो बहुत ही क्यूरियस होते हैं,
मतलब वो बहुत ही क्यूरियस हो गए उसके बारे में जानने के लिए। तो माधव जी बताते हैं उनको कि ये मतलब एक इसका नाम ये एक तरह से अलग है और ये एक जायंट स्क्वायरल है। तो ये एक जायंट स्क्वायरल है और ये एंडेमिक है टू दिस एरिया, मतलब वो उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। तो एंडेमिक का मतलब क्या है यहाँ पे? एंडेमिक मतलब आर दो स्पीशीज एंड ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। तो एंडेमिक का मतलब क्या है ये समझ लीजिए। एंडेमिक का मतलब क्या है कि वो स्पीशीज़ यानी कि वो जीव जंतु चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं, तो यानी कि वो प्लांट्स और एनिमल्स जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम? एंडेमिक स्पीशीज़। ठीक है, जो एक पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं उनको बोलते हैं हम एंडेमिक स्पीशीज़। दे आर नॉट एक्चुअली फाउंड एनीवेयर एल्स, उनको हम एक्चुअली मतलब किसी और जगह पे नहीं पा सकते। मतलब अगर मान लो ये इस पर्टिकुलर एरिया में पाए जाते हैं तो इसी पर्टिकुलर एरिया में पाए जाएंगे, ये इस पर्टिकुलर एरिया में नहीं पाए जाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया एंडेमिक स्पीशी। एंडेमिक स्पीशी मतलब ऐसी स्पीशीज चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल जो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाई जाए बस, और कहीं दूसरी जगह पर वो ना मिले। ठीक है, अब जैसे अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल और प्लांट मे बी एंडेमिक टू अ जोन स्टेट और अ कंट्री। अगर मान लो कोई एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ प्लांट है या कोई पर्टिकुलर टाइप ऑफ मतलब कोई एनिमल है कुछ भी है, तो वो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में पाया जाए, किसी एक जोन में, किसी एक स्टेट में या किसी एक कंट्री में। जैसे बोलते हैं भाई ये चीज़ इस स्टेट में होती है इस स्टेट में नहीं होती है। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप देखें तो भाई सेब किसी अलग स्टेट में होते हैं, अमरूद किसी अलग स्टेट में होते हैं, ठीक है, प्लम किसी अलग स्टेट में होता है, बेर किसी अलग स्टेट में होते हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल जिस स्टेट में या जिस एरिया में पाया जाता है इसका मतलब वो वहाँ के लिए एंडेमिक है। ठीक है, अब यहाँ पे माधव जी दिखा रहे हैं साल एंड वाइल्ड मैंगो। तो ये साल और वाइल्ड मैंगो दिखा रहे हैं, देखिए। अब यहाँ देखिए दिखाया गया जाइंट जाइंट स्क्वायरल जो मैंने वहाँ बताया था, ये देखिए यहाँ जाइंट स्क्वायरल भी दिखाया गया, इसकी लॉन्ग फल्फी टेल है देखिए। तो ये हर जगह नहीं पाई जाती है, ये उसी जगह पाई जाएगी जहाँ स्पेशली ये पाई जाती है बस। अब ये देखिए ये वाइल्ड मैंगो है देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये वाइल्ड मैंगो का पेड़ है। तो इस तरह से मतलब हो गया कि भाई कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कुछ पर्टिकुलर जगहों पर ही पाई जाती हैं। ठीक है, तो साल और मैंगो क्या है? एज़ टू एग्जांपल्स ऑफ व्हाट? एज़ टू एग्जांपल्स ऑफ एनिमिक फ्लोरा टू द पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में क्या क्या पाया जाता है इसको याद कर लीजिए, साल और वाइल्ड मैंगो। तो साल और जो वाइल्ड मैंगो है ये पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि साल और वाइल्ड मैंगो कहाँ पाए जाते हैं? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में पाए जाते हैं, ये याद रखना है। ये ऐसे फ्लोरा हैं जो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में एंडेमिक है, मतलब कहीं और नहीं मिलेंगे, सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर मिलेंगे। ठीक, अब जैसे बीसन हो गया, इंडियन जायंट स्क्वायरल हो गया, और जो फ्लाइंग स्क्वायरल हो गया, ये सब एंडेमिक फौना है टू दिस एरिया। तो एक और चीज़ यहाँ याद कर लीजिए, तो पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व में आपको वहाँ एक और क्या मिलता है? बीसन मिलता है, इंडियन जायंट स्क्वायरल मिलता है, फ्लाइंग स्क्वायरल मिलता है। तो ये सारे के सारे एंडेमिक है कहाँ? पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व। तो यानी कि देखिए पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व बड़ी अच्छी जगह है, ये घूमने की जगह है, इसका मतलब यहाँ आप भी जा सकते हैं, घूम सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको इस तरह की अलग अलग चीज़ें मिलेंगी, एंडेमिक स्पीशीज मिलेंगी जो आपने पहले कभी देखी नहीं होंगी। क्यों देखेंगे आप भाई? वो आपके एरिया में होती नहीं है, वो सिर्फ पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व वाले एरिया में ही मिलती है। ठीक है, तो ऐसी स्पीशीज़ क्या होती हैं चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, वो क्या होती हैं? एंडेमिक होती हैं। ठीक है, प्रोफेसर अहमद यहाँ पे एक्सप्लेन कर रहे हैं कि भाई जो डिस्ट्रक्शन हो रहा है इनका, इतने ज़्यादा इनके हैबिटेट से, देखिए हर जंगल खत्म हो रहे हैं, हर पेड़ खत्म हो रहे हैं, हर जगह से खत्म हो रहा है, पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, इससे क्या हो रहा है? इसकी वजह से क्या हो रहा है? नई नई स्पीशीज़ भी बहुत सारी आ जा रही है, उनका नेचुरल हैबिटेट जो इफेक्ट हो रहा है। तो जो एंडेमिक स्पीशीज़ हैं वो धीरे धीरे डेंजर में आ रही हैं और धीरे धीरे ख़त्म हो रही हैं, तो वो इंडेंजर हो जा रही है, उनका एग्जिस्टेंस जो है वो धीरे धीरे ख़त्म होने के कगार पर भी आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से हमने ये जाना कि भाई एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं और कैसे ह्यूमन के इंटरवेंशन, ह्यूमन के डिस्टर्बेंस की वजह से वो सब क्या हो रहे हैं? धीरे धीरे ख़त्म हो रहे हैं। ठीक, ये देखिए जायंट स्क्वायरल है। अब बात कर रहे हैं स्पीशीज़, स्पीशीज़ होता क्या है ये जान लीजिए पहले तो आप भाई। स्पीशीज़ क्या है? ये एक ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है, स्पीशीज़ इज अ ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, मतलब किसी भी जीव जंतु का ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन होता है विच आर केपेबल ऑफ इंटरब्रीडिंग, मतलब ये इंटरब्रीड करते हैं, अपने बच्चों को जन्म देते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाते रहते हैं ताकि ये वहाँ पे कायम रहे उस पर्टिकुलर जगह पे, तो वो होते हैं स्पीशीज़।
इसका मतलब ये हुआ कि जो मेंबर्स ऑफ स्पीशीज होते हैं वो रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, अपने फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक, अपने ही मतलब स्पीशीज़ के मेंबर के साथ, यही होते हैं स्पीशीज़, और वो किसी और स्पीशीज़ के मेंबर के साथ ऐसा नहीं कर सकते। तो मेंबर्स ऑफ ए स्पीशी हैव कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, तो आपको याद रखना है कि एक मेंबर जो भी मतलब मेंबर्स होते हैं किसी एक स्पीशीज़ के, तो किसी एक स्पीशीज़ के जो भी मेंबर्स होंगे उनके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कॉमन होते हैं, ठीक है। यानी कि स्पीशीज़ होता क्या है, वो ग्रुप ऑफ पॉपुलेशन, वो ग्रुप ऑफ एनिमल जो आपस में इंटरब्रीड करता है, अपने बच्चों को पैदा करते हैं, अपनी पॉपुलेशन को बनाते हैं, अपनी पीढ़ी को ऐसी चलाते रहते हैं, ऐसे जीव जंतु, ऐसे जानवरों को हम, या ऐसे जीव जंतुओं को हम स्पीशीज़ बोलते हैं, जो अपनी पॉपुलेशन को मेंटेन किए रहते हैं और आपस में इंटरब्रीड करते हैं, रिप्रोड्यूस करते हैं और अपने बच्चों को पैदा करते हैं, ठीक है। तो ये होते हैं स्पीशीज़, तो कोई एक स्पीशीज़ ही आपस में ऐसा कर पाती है और दूसरी स्पीशीज़ के साथ ऐसा नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये हो गया स्पीशीज़, तो प्लांट की स्पीशीज़, एनिमल की स्पीशीज़ आपस में रिप्रोड्यूस करती हैं और अपने ऑफस्प्रिंग को पैदा करती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आपने इससे जाना कि एंडेमिक स्पीशीज़ क्या होती हैं, और आपने ये भी जाना कि फ्लोरा एंड फौना क्या होता है। तो ये दो टॉपिक हमने अच्छे से कवर कर लिया कि व्हाट इज़ फ्लोरा एंड फौना एंड व्हाट इज़ एनिमिक स्पीशीज़। एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस, प्लीज़ आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। एंड इफ़ यू लाइक द प्रेजेंटेशन, लाइक, रेट, रिव्यू एंड शेयर इट। इसको ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आपके जो भी दोस्त हैं उनकी भी हेल्प हो सके। तो ये क्लास 8 के स्टूडेंट को तो मदद करेगा ही, साथ ही में उन सभी को मदद करेगा जो बेसिक लेवल की साइंस पढ़ना चाहते हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के बारे में, ठीक है, और फिर धीरे धीरे इसको हम पूरा पढ़ेंगे, समझेंगे। कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था काफ़ी फास्ट चल रहा है, तो इसलिए मैंने थोड़ा स्लो कर दिया है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे हमारा चैप्टर अब एक दो दिन में हम ख़त्म करेंगे, कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा पढ़िए, अच्छे से पढ़िए। और आप देखो स्टूडेंट्स वीडियोज़ देखते नहीं हैं, इन वीडियोज़ को आप अच्छे से देखिए तभी आपको समझ में आएगा। अच्छे से देखिए, पढ़िए, समझिए, लिखिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व कीजिए, पूरा चैप्टर रीड कीजिए, पूरा वीडियो देखिए, जो भी डाउट हो पूछिए, ठीक है। तो इसमें कुछ बिल्कुल शर्माने की बात नहीं है, जो भी नहीं समझ में आता आप ज़रूर पूछा करिए, आप लोग पूछते भी नहीं हैं। तो वीडियो को देखिए एक बार, दो बार देखिए, चैप्टर को दो तीन बार रीड कीजिए, क्वेश्चन आंसर सॉल्व करिए और मुझे दिखाते भी रहिए। आप लोग कुछ काम भी नहीं दिखाते हैं, ठीक है, तो करिए और दिखाइए भी, और जो भी डाउट हो पूछिए। तो ये टॉपिक हमारा यहीं ख़त्म होता है, नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के साथ, ठीक है। तो मिलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में, थैंक यू।